Zombie Apocalypse. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ GTA 5। तो आज हम करेंगे अपना अगला मिशन, जो कि हमें सिमियन ही बताएगा, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ वही एक जरिया है। तो हम लोग आ चुके हैं सिमियन की वर्कशॉप पे। ये हम लोगों ने अपनी कार पार्किंग में लगा दी है। ओके, तो हमें इधर से नहीं, आगे वाले गेट से एंट्री करनी है। चलिए जल्दी से भाग के चलते हैं। ओके, ये वाला गेट भी नहीं है, इस तरफ वाला गेट है। ओह, ये खड़ा, ये रहा सिमियन सामने बिल्कुल। तो अब ये हमें अपना अगला मिशन देने वाला है, जो कि है हमें माइकल के घर पे जाना है, एक कार वापस लाने, जो कि उसका बेटा लेके गया था जिमी। चलते हैं माइकल के घर पे, फिर से देख लेते हैं अपनी कार अगर है तो हम लोग उसी से ही जाएंगे, जो कि हम लोगों ने पीछे पार्क करी थी। ओके, ये खड़ी है अपनी कार, उसका नाम है बफेलो। हम लोग इसी से जाने वाले हैं अभी माइकल के घर, फटाक से चलते हैं। रो 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 रो। ओके, तो हम लोग को सीधे जाना है। बहुत ही ज्यादा तेज चलती है भाई। के किसी का कॉल आ रहा है, सिमियन का कॉल है। Man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure you will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Okay, यार भाई मैं बहुत ही कम ठोक कर लाया हूँ, पर ये लोग अभी हट नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा हो गया, एक कत्ल हो गया हमसे। तो हम लोगों को इसके अंदर जाने का रास्ता ढूंढना है। ओके, तो यही वाला गेट है सामने से, हम लोग इसके ऊपर से आई थिंक जंप कर सकते हैं। ओके, तो वो रहा गार्डनर, हमें उसे टेक आउट करना है। ओके, तो ये हो गया भाई बेहोश यहाँ पर, और अच्छे से कर देते हैं। ओके, तो ये तो बेहोश हो चुका है, हम लोग को अब घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढना है। उधर सामने से तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा हमें। Okay, तो ये रही एक और कार। ओके, तो इसके ऊपर से जा सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस ने बता दिया हमें रास्ता। अरे भाई फिर से ट्राई करते हैं, छत पे चढ़ना है हम लोगों को, थोड़ा आगे हो आगे। ओके, तो ये चढ़ गया, और ये रही एक खिड़की जो कि खुली हुई है, इसी के अंदर जाना है धीरे से। यहाँ से धीरे से निकलते हैं, क्योंकि जिमी अपने कमरे में ही बैठा हुआ है, दिन भर भाई गेम खेलता है। देखो देखो दिखा देते हैं, वो देखो भाई गेम चल रहा है इसका एकदम मस्त, और कोई काम नहीं है इसके पास। हम लोगों को ब्लू डॉट के पास जाना है बिना किसी को पता चले। ओके, तो ये रही वो कार जो कि हमें यहाँ से ले करके जानी है। फटाक से लेके निकलते हैं इस कार को डीलरशिप पे। कार मिल चुकी है, तो ये लोग फोन कर देते हैं फटाक से। Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back.
ओ भाई गरी मोल ले। ओके तो मेरे ख्याल से कार के अंदर कुछ हो रहा है। वो भाई ये पीछे से माइकल निकला है यहाँ पर, कह रहा है कि चलते रहना है बिना रोके। तो चलिए चलते हैं धीरे धीरे। अरे इतने पास हो गया कैमरा, समझ नहीं आ रहा। एक ये भाई माइकल पीछे छुपा हुआ था। जरा जरा सी गाड़ियाँ इतनी बड़ी गाड़ी के बीच में आया कि देख के नहीं चला सकते हैं लोग। हमें अभी भी वहीं जाना है जहाँ हम लोग को जाना था, डीलरशिप पे। माइकल ने भाई एकदम खोपी पे गन रखी हुई है अपने, और कुछ हम लोग कर भी नहीं सकते, बात माननी ही पड़ेगी। ओके इधर जाना है, इधर जाना है। तो बस पहुँच ही गए हम लोग डीलरशिप पे। तो अभी माइकल हम लोगों से कुछ बताने वाला है हम लोगों को कुछ। ओके तो ये कह रहा है कि हम लोगों को अपनी कार लेके सामने शिमियन की वर्कशॉप में एकदम घुसा देनी है खिड़की तोड़ते हुए। चलिए करते हैं वही काम। ओके हट जाओ सब लोग, और हम लोग घुसने वाले हैं। और ये भाई ये लीजिए अपनी एंट्री हो चुकी है, और ये सीनियर आए हैं दौड़ते दौड़ते। क्या कर दिया ये? ओके तो अपने साथ में है माइकल कंट्रोल। हम लोग को सीनियर को घूम से लात की बरसात करानी है। चले भाई चले चले, इसको मौका ही नहीं देंगे अपने वो हाथ लगाने का। ये ले चले चले। ज्यादा बनेगा माइकल से, दादागिरी दिखाएगा सारे। ओ भाई माइकल ने तो इसका पूरा हालत खराब कर दिया है, नाक मुंह हाथ पैर सब तोड़ दिया है। ये ले इसका बेटा ये कार लेके गया था, लेकिन सिमियन ने उसको वापस लाने के लिए फ्रैंकलिन को अलर्ट किया था, लेकिन उसको भी माइकल ने धूल चटा दी है, और यहाँ पर सिमियन को भी धूल चटा दी है। माइकल एकदम सुपर हीरो वाली एंट्री मारता है भाई। चलिए तो हमारे पास आ चुका है माइकल, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अब माइकल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टर हमारे पास अनलॉक हो चुका है, तो अब कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाली है, क्योंकि माइकल भाई सबसे मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। इसके पास भी एक पिस्टल है। ओके तो आई थिंक कि ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म करना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ़।